तो भैया अभी तक आपने दुनिया भर की स्टेबल गाड़ियाँ देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन देखे होंगे, एक कॉन्सेप्ट भी आपने एक से बढ़कर एक देखा होगा, लेकिन यहाँ पर लेक्सस LF30 का एक बार आप ये कॉन्सेप्ट देखो, क्या गजब का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है LX ने निकाला है। और ये अगर बात करें इसकी डिज़ाइन वगैरह की, तो सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं भाई, इस गाड़ी की जो स्पेसिफिकेशन है ना, ये सुन के आपके होश उड़ जाएंगे यार, इतने गजब के स्पेसिफिकेशन है। जहाँ पर अभी तक अपन ने लोटस की गाड़ी देखी थी, बुगाती देखी थी, ये सब गाड़ियाँ जो हाई एंड स्पोर्ट्स कार अपन ने देखी थी, आपको वो जो है एक बार के लिए दिमाग से भूल जाओगे जब आप इस गाड़ी के बारे में आप सुनोगे, इस गाड़ी को जानोगे। सबसे पहले तो गाड़ी की आप एक बार ओवरऑल लुक की अगर बात कर लें, तो आपको ऊपर छत देखने को मिलती नहीं, पूरा ऊपर तक आपको कांच देखने को मिलता है, इतने बढ़िया आगे बड़े बड़े एयर वेंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो गाड़ी है प्रॉपरली डिज़ाइन करी गई है एरोडायनेमिकली, और एरोडायनेमिकली ऐसी गाड़ी है, मतलब अगर आप बात कर लो हवा को चीरने की ना, अभी तक अपन ने जो गाड़ियाँ देखी, सेडान, कूप, भले कैसी आपने स्पोर्ट्स कार वगैरह देखी हो, वहाँ पर कोई ऐसा, क्योंकि इंजन वगैरह गाड़ी के अंदर होते, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एयर डैम देखने को आपको देखने को नहीं मिलता जहाँ से एयर पास हो सके, जो आपको जो है, क्योंकि यार स्पीड का सबसे बड़ा दुश्मन एयर ही है। ये लेक्सस LF30 इतना बढ़िया तरीके से डिजाइन है, एक बार फ्रंट में नजर डालो, क्या बेहतरीन तरीके से एयर इनफ्लो के लिए जगह है। अब वेल यहाँ से हवा जाती तो है, पर बाहर कहाँ से निकलती है वो भी मैं आपको साइड से दिखाने वाला हूँ, पर यहाँ पर आप एक बार डिजाइन देखो। अब आपके मन में जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि यार अगर इतनी ज्यादा एरोडायनेमिक गाड़ी है, इतनी ज्यादा एयर इनफ्लो आउटफ्लो वगैरह की बातें हो रही है, तो ऐसा कितना इसमें पावर है जो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। भाई देखो, सबसे पहले आपको तो मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर जो इसका पावर है ना, 400 किलोवाट की तो इसमें बैटरी है, और 700 न्यूटन मीटर का गाड़ी के अंदर जो है टॉर्क है, 700 न्यूटन मीटर। अब आप अपने अंदाजे से जान लो क्या होता है। यहाँ पर टायरों की प्रोफाइल की अगर बात करें ना, कितने बड़े मैसिव टायर की जो प्रोफाइल यहाँ पर रखी गई है, और अंदर ये जो आप देख रहे हो ना भाई, ये डिस्क नहीं है, ये है गाड़ी की इंडिविजुअल मोटर। अब ऐसी इंडिविजुअल मोटर आपको चारों टायर के अंदर देखने को मिल जाएगी, जितने चारों टायर हैं सब इंडिविजुअल टायर में इंडिविजुअल मोटर देखने को मिलती है, जो कि अलग अलग अपने तरीके से काम करती है। अब अपने तरीके से काम कैसे करती है, वेल जब ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसका लेक्सस का कहना है कि वो लेक्सस की एडवांस जो है पोस्टर कंट्रोल टेक्नोलॉजी है। और उसके अंदर क्या होता है, आपकी गाड़ी के जो चारों व्हील्स होते हैं, आपकी गाड़ी के चारों व्हील्स अलग अपनी तरीके से काम करते हैं। जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको कंफर्ट बढ़ाते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, आपकी गाड़ी के अंदर जो एक तरीके से आपका जो कंट्रोल है गाड़ी के अंदर, वो बहुत गजब तरीके का बढ़ाते हैं। क्योंकि जितनी पावर की ये गाड़ी है, जितना पावर आउटपुट इस गाड़ी का है ना, डेफिनेटली इतने में आराम से चांसेस रहते हैं गाड़ी के जो है इधर उधर भगने, मतलब अनकंट्रोल होने के। इतनी स्पीड के अंदर कंट्रोल गाड़ी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो यहाँ पर लेक्सस ने रखा गया है। लेक्सस की ये चारों मोटर जो है डिसाइड करती है कि किस टायर में कितनी पावर देनी है, कब टायर में पावर देनी है, कब टायर में पावर नहीं देनी, कहाँ पर देनी है, कितनी देनी है, जिससे आपकी गाड़ी का जो कंट्रोल है सड़क के ऊपर बना रहे, हाई स्पीड्स पे हाई और जो शार्प कट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से गाड़ी को जो है कंट्रोल कर सको। ये जो इसकी चारों टायर की जो मोटर वाली टेक्नोलॉजी है, ये इसको बना देती है ऑल व्हील ड्राइव। तो मतलब गाड़ी के चारों व्हील काम करते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं, जितना उनको पावर चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत है पावर की, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर ही वो पावर देते हैं, वरना नहीं देते। उसके बाद में यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे हो, पहले तो इंटीरियर की बात करें तो आपको बहुत ही प्यारा इंटीरियर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये इंटीरियर इसमें सेम ऐसा आएगा, ये इसका जो है दावा अभी मैं नहीं कर सकता, पर हाँ आपको जहाँ पर ये ऐसा इंटीरियर देखने को मिल रहा है, वहाँ पर आपको लगभग ऐसा इंटीरियर देखने को मिलेगा। और कॉकपिट की जहाँ पर बात करें ना, जो गाड़ी के अंदर आपको कॉकपिट देखने को मिल रहा है, कॉकपिट आपको जो है यहाँ पर सेम देखने को मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा कॉकपिट जो है गाड़ी का होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी गाड़ी की होने वाली है। गाड़ी के अंदर आपको कोई भी जो है स्टीयरिंग रॉड देखने को नहीं मिलने वाली, मतलब स्टीयरिंग की रॉड मतलब ऐसा होता है कि कोई भी जैसे नॉर्मल गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा जो जाके एक्सल वगैरह पर कनेक्टेड होती है, ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलने वाला। गाड़ी के अंदर जो है वायर्ड स्टीयरिंग व्हील होने वाला है, जो कि जो है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही कमांड करे गाड़ी के अंदर कि कितना जो है आप कमांड दे रहे हो स्टीयरिंग को, उस हिसाब से जो है गाड़ी अपने आप जो है मोटर को इसके अंदर कमांड देगी। गाड़ी की इतनी बेहतरीन तरीके से जो यहाँ पर जो डिज़ाइन रखी गई है गाड़ी के अंदर, इतने शार्प आपको जो डिज़ाइन देखने को मिलता है, हर एक जगह पे प्रॉपरली डिसाइड करके जो है बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा साइंस फिजिक्स वगैरह लगा लगो के जो है यहाँ पर गाड़ी को डिज़ाइन करा गया है। बहुत ही बेहतरीन जो है डुअल टोन के अंदर आपको गाड़ी देखने को मिल रही है। गाड़ी का जो है सेंटर जो है गाड़ी का ग्लॉस ब्लैक के अंदर रखा गया है। गाड़ी का जो फ्रंट का लुक आपको जो देखने में देखने को मिलने वाला है, वो आपको पूरा
ऊपर तक जो है पूरा कांच देखने को मिलने वाला है। फ्रंट के अंदर भी आपको स्पेस या फिर जो भी बैटरी वगैरह कंपनी डिज़ाइन करेगी जिस समय जो गाड़ी लॉन्च होगी तभी भैया इसका पता लगा पाएंगे कि बैटरीज वगैरह गाड़ी की जो है कहाँ पर माउंट हुई है या फिर जो है स्पेस वगैरह यहाँ पर दिया गया है बोनट के अंदर। गाड़ी का प्रोफाइल जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 285/35R24 24 इंच के गाड़ी के अंदर आपको जो है अलॉयज देखने को मिलते हैं। अलॉयज जो है डुअल टोन के अंदर है, बहुत ही प्यारे देखने में लग रहे हैं। गुडियर का टायर बाय द वे इस गाड़ी के अंदर दिया गया है, कोई भी कॉन्टिनेंटल वगैरह का टायर इसमें नहीं है, पिरेली वगैरह का टायर नहीं है, गुडियर का टायर जो है देखने को मिलने वाला है। देख लीजिए भाई गुडियर की जो है कितनी बढ़िया इंप्रूवमेंट जो है गुडियर यहाँ पर कर रहा है। वेल अगर मैं आपको बताऊँ गुडियर एक ऐसी कंपनी जिसके टायर जो है एरोप्लेन के अंदर भी यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर जो है क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रखी गई है। उसके बाद में अगर बात करें ये जो आप गेट के ऊपर आउटफ्लो का जो देख पा रहे हैं यहाँ से जो है गाड़ी का एयर आउटफ्लो होता है। इनटेक तो आप जो आपने बम्पर के अंदर आगे देखा वहाँ से होता ही है, यहाँ से आउटफ्लो जो है हो रहा है जो गाड़ी को जो है एक बढ़िया स्टेबिलिटी प्रोवाइड यहाँ पर करता है। उसी के बाद में गाड़ी का पीछे डिज़ाइन जैसे जैसे आप पीछे आते जाएंगे ना वैसे वैसे जो है गाड़ी और ज़्यादा मैसिव होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी के अंदर पीछे काफ़ी मैसिव जो है डिज़ाइन दिया गया है। देखने में गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज और कैमरे में जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करती गाड़ी, लेकिन बहुत ही प्यारी जो है गाड़ी देखने में लग रही है। बहुत ही बड़ा सारा डिज़ाइन है ये जो आप देख रहे हो ना साइड के अंदर, पूरा ये जो कॉर्नर टाइप ये जो एरो टाइप का जो आप देख रहे हो ये पूरी गाड़ी के अंदर आपको टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं। लेक्सस का लोगो आपको पीछे देखने को नहीं मिलता, लेकिन लेक्सस का आपको जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बात करें डोर ओपनिंग की तो डोर भी आपको जो है इसके बटरफ्लाई टाइप देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी मैसिव डोर्स आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। गाड़ी की जहाँ तक बात करें तो भाई चार लोग गाड़ी के अंदर आराम से बैठ सकते हैं, और सीट्स मतलब एक अलग ही तरीके की जो सीट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है यार। बाकी छोटा सा वॉक अराउंड था LF30 जो कि लेक्सस की कॉन्सेप्ट कार है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।